आज हम लोग घर पे ही गमला बनाना सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है। और आपके घर पे वो ब्लैक वाला जो ऑयल रहता है ना, गाड़ियों में से निकलता है, ख़राब हो जाता तो, और आपके पास ग्लव्स हो तो हाथ में ग्लव्स लगा पहन लें। मेरे पास तो था नहीं, तो इसलिए मैं पनिक लगाई थी, नहीं तो हाथ में लग जाएगा ब्लैक ब्लैक, अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद मैं आज दो गमले बनाने जा रही हूँ, तो इसीलिए दो बाल्टी लिया हूँ। आप एक एक बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये 4 मग्गा में बालू ली थी, आप लोग को बताना भूल गई, और 1 मग्गा इसमें सीमेंट। और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और तो मिक्स करने के बाद साइड में रख कर और थोड़ा सा और सीमेंट लेके आना है, और बाल्टी में अपने हल्के हाथ से उसमें छीट देना है। और छीटने के बाद मैं इस टाइम दोनों बाल्टी में कर रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। और ये हो जाने के बाद इसको जो बचा हुआ है ना, उसमें पानी डाल के उसको घोल लेना है सीमेंट को। और घोलने के बाद इसमें चारों तरफ अच्छे से फैला देना है बाल्टी में, चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। मैं दोनों में इसी टाइम कर रही हूँ। अब उसमें जो सीमेंट और बालू मिक्स करके रखे हुए हैं, उसमें हल्के हल्का हल्का पानी डाल के मिलाना है, यानी एक ही बार डाल के उसको गीला कर दें। ज़्यादा इसमें गीला भी नहीं करना है, भुर भुरा हो इस तरह से। और उसमें बाल्टी में अब डालते रहना है, डालते रहना है, आधा तक, जब तक आधा हो जाए बस उतना ही छोड़ देना है। अब उसके बाद इसको पकड़ के इस पे चिपका लेते जाना है साइड साइड में हल्के हाथ से। और चिपकाने के बाद जब अच्छे से चिपक जाएगा, कम हो तो डाल सकते हैं, और जब चिपक जाएगा तो इसको बढ़िया से क्लीन करना है। जितना आपको चाहिए उसका मोटापा, उसके हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। पतला चाहिए तो पतला बनाए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पतले में थोड़ा दिक्कत रहती है। और आपके पास जो भी हो, करनी हो या फिर खुरपी हो, कुछ भी हो, मेरे पास तो ये था, जो था उसी में मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास जो है उसमें बना सकते हैं। और इसको बढ़िया से एकदम फिनिशिंग देने के लिए इसको अच्छे से साफ करना है। और आपके घर पे चम्मच तो होगा ही, सबके वहाँ होता है, और चम्मच के हेल्प से अंदर का जो पार्ट है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और बनने के बाद अंदर का जो पार्ट है उसको भी क्लीन कर देना है। कोई आपके पास गिलास हो या फिर कोई, मेरे पास एक बॉटल था, उसका जो ढक्कन बहुत ही प्लेन था, इसकी वजह से मैं उससे कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं फिनिशिंग लाने के लिए, तभी ना अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे ही बना देंगे तो बेकार सा लगेगा। उसको क्लीन करना पड़ेगा ना। क्लीन करने के बाद अब इसमें होल करना है। अब किस चीज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक पाइप था उसी से मैं कर रही थी। और उसके बाद जो सीमेंट का पानी बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ तो घोल लें, और बचा हुआ होगा तो उसी से ऊपर का जो एरिया है उसको प्लेन कर दें। इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम रेडीमेड की तरह ही बनेगा। अब बनने के बाद आप लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह, इसमें ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। बनाने के बाद इसको बस 2 या 3 दिन के लिए धूप में ले जा के रख देना है। मैं 3 दिन के लिए बस रखी थी, और उसके बाद इसको उल्टा करके धूप में ही छोड़ देना है, कम से कम 1-2 घंटे के लिए। और इसको निकालने की ज़्यादा झंझट भी नहीं रहेगी, हल्के हाथ से बस ठोक देना है और वो निकल जाएगा बाहर, बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए कैसे निकल रहा है। और जो भी लेयर है जो साफ़, इसको कर लें, और साफ करने के बाद